नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा, मैं आपके साथ दिव्या। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। नौहट्टा नगरी, जिसका इतिहास करीब 1000 साल पुराना है, प्राचीन इतिहास के साक्ष्यों को घेरता हुआ मोहलेश्वर मंदिर इसका एक अनुपम उदाहरण है। अगर हम इस ग्राम के इतिहास पर नजर डालें तो हमें जानने को मिलता है कि मोहलेश्वर जैसे आठ और मंदिर इसी ग्राम में स्थित थे। सभी मंदिर 915 से 950 ईस्वी के आसपास बने थे। बातचीत के दौरान एवं पूर्वजों के अनुसार बस ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण कल्चुरी नरी शिवराज ने अपने प्रिय रानी नोहला के नाम पर कराया था। नोहट्टा में ग्राम खजुराहों की भांति बने शिव मंदिरों की संख्या 9 थी। नोहट्टा ग्राम की पुरानी बस्ती ऊपर टोला, जहां पर 8 मंदिर के अस्तित्व आज ही सुरक्षित देखे जा सकते हैं। मंदिरों में लगे कीमती पत्थर जो किसी संग्रहालय में सुरक्षित रखे जाने के लिहाजा वही पत्थर नाली रखने और घरों की दीवारों में लगने के काम आ रहे हैं। अगर यही आलम वर्तमान में रहा तो कुछ समय के बाद ये पत्थर देखने के लिए भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि मकानों के नवनिर्माणों के चलते लोग पत्थरों को नीचे दबाते जा रहे हैं, जिसके कारण हमारे देश की राष्ट्रीय पुरातत्व धरोहरों के अवशेष दफन होते प्रतीत हो रहे हैं। पुरातत्व के पत्थरों का उपयोग लोग अपने आंगन में बैठने के लिए, कपड़े धोने के लिए, यहाँ तक कि बाथरूम में भी इन पत्थरों का उपयोग लोगों के द्वारा बिना किसी डर के बेखौफ किया जा रहा है। यदि आज भी इन पत्थरों को एकत्र किया जाए तो नोहलेश्वर मंदिर की भांति ज्यों के त्यों 8 मंदिर और बन सकते हैं, क्योंकि मंदिर के अवशेष गांव की प्रत्येक गली चौराहों एवं कचरों के ढेर पर देखे जा सकते हैं। ग्राम के माधव प्रसाद यादव शिक्षक बताते हैं कि हमारे पूर्वजों ने पुराने शिव मंदिरों की हिफाजत नहीं की, इसलिए प्राचीन शासकों एवं ब्रिटिश शासकों द्वारा मंदिर तोड़े गए, नहीं तो आज हमारा नोहट्टा नगरी किसी खजुराहों से कम नहीं होता। शिव मंदिरों में रखे शिवलिंग की संख्या भी 9 थी। ग्रामीण युवा दिनेश विश्वकर्मा, रत्नेश ठाकुर, नीतीश पटेल, विक्की रेकवार, आभी राय, नीलेश विश्वकर्मा, अनुराग नीमा द्वारा बहुत खोजबीन के बाद केवल 4 शिवलिंग सुरक्षित एवं 1 शिवलिंग क्षतिग्रस्त अवस्था में खोजा गया। 4 शिवलिंग कहाँ गए कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, इतना जरूर है कि यदि पुरातत्व विभाग के द्वारा मंदिरों के अवशेषों को एकत्रित किया जाए तो हो सकता है कि 4 शिवलिंग प्राप्त हो जाए। युवा कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रशासन से मांग की है कि उक्त भारतीय राष्ट्रीय धरोहर को उचित स्थान पर रखवाएं, ताकि आगामी पीढ़ी हमारी संस्कृति को और हमारे इतिहास को बखूबी देख सके, हम पढ़ सकें।